नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। लोकसभा चुनाव 2019 के 7 चरणों में से कुल 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। पांचवें चरण के मतदान 6 मई को होंगे। पांचवें चरण का मतदान 7 राज्यों की कुल 51 सीटों पर होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होगा, जिनका नाम है सीतापुर, मोहनलालगंज, फिरोजाबाद, धौरहरा, अमेठी, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, बाराबंकी, कौशाम्बी, केसरगंज, गोंडा और बहराइच। वहीं बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा, जिनका नाम है मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होगा, जिनका नाम है उलुबेरिया, श्रीरामपुर, बंगाव, बैरकपुर, हावड़ा, हुगली और आरामबांग। वहीं मध्य प्रदेश की भी 7 सीटों पर मतदान होगा और उन जगहों का नाम है दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल और टीकमगढ़। अगला राज्य है राजस्थान, जिसकी 12 सीटों पर मतदान होगा और उन जगहों का नाम है बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर और सीकर। वहीं जम्मू कश्मीर के लद्दाख और शोपियां जिले में मतदान होगा। अगला राज्य है झारखंड, जहां 4 सीटों पर मतदान होगा, जिनका नाम है रांची, खूंटी, कोडरमा, हजारीबाग। बता दें कि इन सभी सीटों पर मतदान 6 मई को होगा और मतदान का नतीजा 23 मई को सबके सामने आएगा, यानी 23 मई को पता चलेगा कि किसकी सरकार फिर से इस देश में आएगी। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़ रहे हैं आई न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।